कुछ तो मदर की शक्ति होती है ना। अच्छा तो प्राण वल्लभ, यह क्या विडंबना है जब मारुति की पूछ तो स्वयं शक्ति रूपा है, तो उस पूछ स्वरूप शक्ति को वश में करने के लिए मारुति को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है? इस रहस्य का आधार महादेव शिव और माता पार्वती का गुप्त संवाद है। जब महादेव शिव ने अपने अंश मारुति को वानर रूप में इस संसार जगत में भेजने का निर्णय लिया। हे शशि शेखर, अपने भ्राता के राम अवतार के विषय में मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, कृपा कर मेरी उत्कंठा का समाधान कीजिए। अवश्य प्रिय, राम अवतार जगत के पालनहार विष्णु जी का सातवां अवतार होगा। श्री राम का जीवन बड़ा ही लीलामय होगा और तब वानर कुल में जन्मा मेरा ही अंश अवतार श्री राम का नाम जपते जपते ऐसे ऐसे पराक्रम करेगा जिसे युगो युगो तक स्मरण किया जाए। श्री राम के साथ साथ मेरे उस अंशावतार की कीर्ति भी बनी रहेगी। वानर रूप के उस अंशावतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी प्रभु? आप मौन क्यों है बताइए ना, आपके उस वानर रूप के अंशावतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी? मेरे उस अंशावतार का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को मेरे आराध्य श्री राम को समर्पित करना होगा। प्रिय आपका तात्पर्य है कि आपने मुझे स्वयं से दूर करने का निर्णय ले लिया? आप विस्मरण क्यों कर रही हैं प्रिय? मैं और आप दो नहीं, एक ही हूं। हमारा अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रमाण है और समस्त सृष्टि में शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का होना असंभव है। उचित है स्वामी, पर राम कार्य के लिए होने वाले आपके अंशावतार के संग मैं क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मेरे उस बारह अंशावतार के लिए पिता पुत्र मित्र सखा सहचर सभी मात्र श्री राम ही होंगे। मात्र वह राम काज करेगा और इसी उद्देश्य वश वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। अच्छा, जैसे पत्नी अपने पति के लिए आभूषण होती है, उसी प्रकार वानर का आभूषण होती है उसकी पूंछ। अतः आपके इस वानर अंशावतार में मैं आपकी पूंछ बनकर आपके संग रहूंगी। तो स्वामी, यह संदर्भ अवश्य स्मरण रखिएगा, आपने मेरे बिना ही अपने अंशावतार को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं आपसे रुष्ट हूं। इसीलिए पहले अपनी रुष्ट शक्ति यानी पूछ को मनाना होगा, तभी मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा। इसीलिए मारुति की पूंछ में भरपूर शक्ति है, मेरी बहन पार्वती की शक्ति। देवी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे मारुति ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से पलभर में ही रावण की सोने की लंका को जलाकर काला कर दिया था।
इसीलिए अपने बाल्यकाल के समय ही अपनी शक्ति स्वरूपा पूंछ को मनाना मारुति के लिए आवश्यक था। कैसे, क्या किया मारुति ने अपनी पूंछ को मनाने के लिए? अब पूंछ को मनाने के लिए मारुति के साथ साथ मित्रों का साथ भी मिल गया था, जैसे सुषेण, नील, गंधमादन, तदीमुख और नल। कैसी है ये तुम्हारी पूंछ? वो तो बड़ों को देखकर भी कुछ ज्ञान नहीं लेती। हाँ देखो ना, नहीं लेती ज्ञान। दूध पिलाने से भी नहीं? दूध पिलाने से हर शारीरिक समस्या दूर की जा सकती है। यानी अत्यंत हठी है तुम्हारी पूंछ। नटखट प्रतीत होती है। अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। रूठी हुई पूंछ को मनाने की विधि है मेरे पास। लगता है तुमने अपनी पूंछ को वैरागियों की तरह छोड़ दिया है, इसलिए तुमसे वो रुष्ट है। इसे सजाए सवारा करो, इसका ध्यान रखो। आज नहीं बच पाएगा केसरी नंदन। इसलिए तुमसे रुष्ट है, इसकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, इससे मित्रता करो। ये तुम्हारी पूंछ है, अवश्य मान जाएगी। हाँ हाँ सच कह रहा है ये। दृष्टि डालो मेरी पूंछ पर। और बलशाली, मैं नित्य इसका ध्यान रखता हूँ। देखो देखो मेरी पूंछ, इसकी सज्जा देखो, मेरी माँ ने बांधा है इसे। है ना मेरी पूंछ सबसे सुंदर? वानर की पूंछ सबसे न्यारी और सबसे सुंदर होनी चाहिए, माँ कहती है। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वाह, क्या युक्ति निकाली है मारुति की उलझन भरी समस्या की। वाह नील वाह, तुम्हारे बल और शक्ति के साथ साथ तुम्हारा ज्ञान भी श्रेष्ठ है। अब तो प्रसन्न होना मेरे मित्र, मैंने तुम्हारी समस्या का अचूक समाधान निकाल दिया है।
मैं भी अपनी पूंछ का सिंगार करूंगा, तब अवश्य मेरी पूंछ मेरा कहना मानेगी। पुनः निकल गया मेरा आहार, मुझे बार बार ऐसे ना तड़पा, वरना तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आप ये क्या कर रहे हो? अपने पैरों में लाल लाल रंग क्यों लगा रहे हैं? बताइए ना। दासी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। आलता? क्यों माँ? पांव पर आलता लगाने से क्या होता है? आलता औरतों का श्रृंगार होता है और हमारे सुहाग का प्रतीक भी, और आलता लगाने से मेरे पांव आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। अच्छा, अगर मैं भी ये आलता अपनी पूंछ पर लगा दूं तो ये खुश हो जाएगी? हो गया। अंजने, अंजने। जी आर्य पुत्र। मैं तुम्हें आलता लगाता हूँ, यहाँ पर आओ। आओ आओ मेरे पास, मैंने कहा ना आगे आओ। आओ किया मेरे लाल, अपने मुंह पर आलता लगा लिया। माँ वो मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या हुआ पुत्र, उदास क्यों हो गए? मैं बता नहीं सकता, पर बताना तो चाहता हूँ, पर बताऊं कैसे? आप जानकर व्यथित हो जाएंगी। दूसरी समस्या को जानने के बाद अंजना ने उन दोनों समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया। प्राणवल्लभ,
उसके बाद फिर अंजना ने क्या किया? समस्या जानकर मुझे व्यथा होगी, ये तो तुमने समझ लिया पुत्र। तुम्हें अब ये जानना भी आवश्यक है कि जब संतान अपने ही माता पिता से अपनी कोई बात छुपाती है, तब माता पिता के हृदय को कितनी ठेस लगती है। पुत्र कुछ नहीं, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी, आप व्यर्थ ही व्याकुल ना हो। माँ आप मुझे बताइए ना। कुछ नहीं पुत्र, अपनी समस्या बताकर मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ, क्रीड़ा का आनंद लो। औषधीय लेप, मैं आपको व्याकुल देख क्रीड़ा का आनंद कैसे ले सकता हूँ? आपको इस प्रकार अशांत देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है, औषधीय लेप ढूंढ रही थी, कुछ समय पूर्व ही रखा था, न जाने कहाँ चला गया। माँ ये लेप मैं आपके मस्तक पर लगा दूँ? हाँ पुत्र। माँ आप अपना सिर मेरी गोदी में रखिए। माँ
माँ, आपके मस्तिष्क में पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा पुत्र अपनी माँ से ही अपनी समस्या छुपा रहा है और यह जानकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। पुत्र मारुति, माँ को पीड़ा में देख तुम्हें भी पीड़ा हुई ना? हाँ माँ। और यह जानकर भी पीड़ा हुई होगी कि मैंने तुम्हें अपनी पीड़ा सर्वप्रथम क्यों नहीं बताई? हाँ माँ, पीड़ा हुई। यदि आप सर्वप्रथम मुझे अपनी पीड़ा बता देती तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता अवश्य करता। ऐसे ही जब मेरा प्रिय पुत्र माँ को अपनी समस्या बताएगा तो माँ भी उसके समाधान में सहायता करेगी। समस्या मेरी पूंछ है, मेरी बात ही नहीं मानती। ओ, अच्छा, तो यह आपकी समस्या? किंतु यह तो नरवानरों की बात है, तुम्हें इस विषय में अपने पिताश्री से बात करनी चाहिए। पिताश्री से बात करूं? हाँ, तुम अपने पिताश्री को अपनी समस्या बताओगे तो वे तुम्हारी समस्या को अवश्य सुलझा देंगे। एक पिता अपनी संतान का पिता होने के साथ साथ संतान का मित्र भी होता है, वे अवश्य समझेंगे तुम्हारी बात। पिताश्री भी मित्र होते हैं? अंजना ने मारुति को कितनी सरलता से यह समझा दिया कि माता पिता ही पहले गुरु, मार्गदर्शक, रक्षक, शुभ चिंतक और इन सबसे भी पहले अपनी संतान के मित्र होते हैं। माता पिता ही अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर किसी भी विपत्ति से बचा सकते हैं। इसीलिए अपने माता पिता से किसी भी बालक को कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो क्या मारुति ने भी केसरी को अपनी समस्या बताई? निस्संदेह। We'll be right back.
श्री की पूंछ कितनी शक्तिशाली है और उनका कहना भी मानती है। और मेरी पूंछ? ये कहना आसान नहीं होगा कि आपकी भुजाओं या पूंछ में से कौन सबसे शक्तिशाली है। वानर की पूंछ में बल ना हो, शक्ति ना हो, तो वो वानर कैसा? जी महाराज। सेवक, थोड़ा अच्छे से सेवा करना। वानर योद्धा का गौरव होती है उसकी पूंछ। पुत्र, क्या तुम्हें भी अपनी पूंछ की सेवा करवानी है? नहीं पिताश्री, मुझे सर्वप्रथम आपसे एक बात कहनी है। एक समस्या है। यहां आओ पुत्र। समस्या और हमारे पुत्र को? शीघ्र बताओ पुत्र। वो पिताश्री, सबकी पूंछ अपने अपने स्वामी की आज्ञा मानती है, पर मारुति की पूंछ मारुति की आज्ञा नहीं मानती। ऐसा क्यों पिताश्री? तुम्हारी समस्या तो अति गंभीर है पुत्र। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपनी पूंछ के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हो, जैसा अन्य मित्रों के साथ करते हो? मित्र यानी सखा। सखा वही होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाते हैं, छोटी बड़ी हर बात आपस में बांटते हैं और कभी साथ न छोड़ने का प्रण भी निभाते हैं। पर पिताश्री, पूंछ कैसे मित्र हो सकती है? मित्र तो नित्य दुख सुख में साथ देते हैं, पर पूंछ कैसे साथ दे सकती है? हाँ पुत्र, वानर की पूंछ भी अन्य मित्रों की भांति होती है, सुख दुख में अपने स्वामी का साथ देती है। हमारी पूंछ हमारा गौरव होती है, जो युद्ध में हर क्षण हमारा साथ देती है, कभी ढाल बनकर और कभी अस्त्र शस्त्र बनकर, दुविधा में भी सुविधा का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी होती है हमारी पूंछ। अब बताओ, हुई ना हमारी सबसे अच्छी मित्र?
तभी तो कहते हैं जितनी बलशाली पूंछ उतना शक्तिशाली वानर। इसीलिए अपनी पूंछ को मित्र बनाना अति आवश्यक है। अच्छा पिताश्री, पूंछ को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पुत्र, किसी को भी मित्र बनाने के लिए उसका सत्कार करना अति आवश्यक है। आदर दोगे आदर पाओगे। तुम्हें अपनी पूंछ को पूरे जतन से मनाना होगा। तुम्हारी मित्र बनेगी तभी तो तुम्हारा कहना मानेगी। शंकर को साक्षी मानकर अपने अभद्र व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुमसे योग्य और सरल मित्र की तरह आचरण करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें स्वामी के भांति आदेश दे रहा था। मुझे क्षमा करोगी? बोलो ना, क्षमा करोगी ना? हाया ना? शंकर को पुष्प कैसे अर्पित करूं? दुख सुख में मारुति का साथ दोगी? युद्ध में कभी ढाल तो कभी अस्त्र शस्त्र बनकर हर समय मारुति का साथ दोगी? तब तो आज से हम दोनों मित्र हुए। पर मारुति के मित्र का नाम क्या होगा? नाम 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 पिताश्री कहते हैं पूंछ वानर का गौरव होती है, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा गौरवी।
वानर राज केसरी की बताई युक्ति काम करने लगी थी। समस्या का समाधान तो निकल ही आता है, परंतु तब जब पिता और पुत्र मित्र बनकर साथ मिलकर समाधान निकाले। निस्संदेह अपनी रूठी पूछ के मानते ही सबसे पहले मारुति ने यह समाचार अपने सबसे अच्छे मित्र को बताने का निर्णय लिया, वो भी अद्भुत और निराले ढंग से। ये मारुति और उसकी पूंछ में मित्रता हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अब तो मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात पिताश्री को बताता हूँ। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। सहायता के लिए धन्यवाद। लगता है तुम्हारी अपनी पूंछ की तुमसे मित्रता हो गई है। हाँ पिताश्री, मारुति आपको यही तो बताने आया था कि मारुति बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से मारुति आपकी बात मानता है, बिल्कुल उसी तरह मारुति की पूंछ भी मारुति का कहना मानने लगी है। पिताश्री, मारुति ये शुभ समाचार अपने मित्रों को बताकर आता है। बड़ा नटखट है। क्योंकि मैं अपने ज्ञान का उपयोग करना नहीं भूलता, इसलिए कहता हूँ थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। अरे 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 यहाँ, अरे यहाँ, यहाँ 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 फेंको ना। अरे चल भागो भागो। हाँ भागो भागो। यहाँ 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 फेंको। बहुत उछल कूद मचा रहा है ये वानर, बड़ा घमंड कर रहा है। शीघ्र ही मैं इसे आभास करा दूंगा कि शक्ति किसे कहते हैं। देखा तुमने मेरी बात मानने का असर? मान गए ना तुम्हारी पूछ, इसलिए कहता हूँ थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हाँ, पिताश्री की बताई हुई युक्ति से मारुति ने अपनी पूंछ को मना लिया। अब मेरी पूंछ सबसे अच्छे मित्र बन चुकी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें युक्ति बताई? हाँ, मारुति के पिताश्री के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब मारुति और उसकी पूंछ सच्चे मित्र हैं। क्या मारुति भी खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य खेलो। अरे
मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई, मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। पीड़ा में आहत होना कोई नई बात तो है नहीं, वैसे भी तुमने गेंद विचार करके मारी भी नहीं थी, तो क्षमा कैसी। वैसे भी मित्रता में ना ही क्षमा मांगते हैं और ना ही धन्यवाद बोलते हैं। की माँ प्रतीत होता है किसी विशेष ही कार्य में व्यस्त हो। हाँ स्वामी, मैं मारुति के अंग वस्त्र को सुसज्जित कर रही हूँ। अति उत्तम। किंतु हमारा पुत्र है कहाँ? आजकल उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। उसकी नटखट बाल लीला देखे बिना मन तृप्त नहीं होता। ये तुम लोग कौन सा कार्य कर रहे हो? मारुति ने कई नए मित्र बना लिए, उसे आनंद भी आ रहा है मित्रों के साथ, और अब तो पाठशाला जाने की भी इच्छा है उसकी। अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है। नहीं नहीं, पाठशाला नहीं, अभी तो हमें उसके बालपन की क्रीड़ाओं का आनंद लेने दीजिए। तीव्र गति से बड़ा होने से क्या होता है, परंतु उसका मन तो अभी कुछ ही दिनों के बालक का है। बताते क्यों नहीं, क्या हो रहा है? अरे तनिक धैर्य रखो मित्र, अभी सब पता चल जाएगा। सुशीन क्या कर रहा है? बात से पूर्ण सहमत हूँ स्वामी कि मारुति अपने बालपन का आनंद ले,
और बाल्य अवस्था बार बार तो लौट कर नहीं आती। और कदाचित मारुति ऋषि गुरु के शिष्यों के संग में रहकर कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित कर रहा होगा। अंजना और केसरी ये सोचकर फूले नहीं समा रहे थे कि मारुति पाठशाला में बालकों के साथ मित्रता करके बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, परंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन बालकों से मित्रता करके मारुति बहुत कुछ और भी अर्जित कर रहे थे। परीक्षा क्यों ले रहे हो? जब दो मित्र मिल जाते हैं तब इसी प्रकार का आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं। हम तो वानर पुत्र हैं, हम धमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद, ये धमाल तो हमारा जन्म अधिकार है। देख रहे हो, सुन रहे हो, दो सखा दो मित्र इस प्रकार आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं, तो क्यों ना हम भी धमाल करें और आनंद उठाएं? प्रदर्शन करते हैं अपने अमोल और क्रीड़ा का धमाल और अपने आनंद का धमाल। के समान इसकी पूंछ भी अद्भुत है। मारुति की इच्छा अनुसार बढ़ती जाती है और इसी की तरह आनंद भी उठाती है। Ha ha ha!
हे महादेव, अपने पुत्र के विषय में आपकी लीला को समझना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत होता जा रहा है। सैनिक, यहां आओ। जी मंत्री जी। ये राजभवन के द्वार की कुंडी कैसे खुली रह गई? मैंने तो कुंडी लगाई थी मंत्री जी। यदि तुमने कुंडी लगाई थी तो फिर ये द्वार कैसे खुला रह गया? लगता है अब मुझे फटकार पड़ेगी। मंत्री जी। जी महाराज। आप क्रोधित ना हो मंत्री जी, सतर्क रहे रक्षक। अब इस घर में एक नटखट बालक भी है। आप जा सकते हैं। जी महाराज। तुमने कष्ट दे रहे थे पुत्र। नहीं पिताश्री, मैं तो अपनी सखा के संग खेल रहा था। अगर आप मना करेंगे तो नहीं करूंगा। मैं हास्य विनोद क्रीड़ा करने के लिए मना नहीं कर रहा पुत्र, किंतु ऐसा हास्य विनोद और क्रीड़ा अच्छा नहीं जिससे किसी को कष्ट पहुंचे और वो किसी के क्रोध का भागी हो। अब ऐसा नहीं करूंगा पिताश्री। देखो तो, गौशालिया से ग्वालन अभी तक दूध लेकर नहीं आए और मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। जाओ देख कर आओ। जी महारानी। और सुनो, जल पात्र में पानी भरकर रख देना वहाँ। जी महारानी। प्रणाम महारानी। धुला हुआ वस्त्र रखना था वहाँ। रख। जी। Thank you.
मारुति को अत्यंत प्यास लगी है, जल दो ना। अभी जल लेकर आई अपने पुत्र के लिए। जलपात्र के स्थान पर वस्त्र और वस्त्र के स्थान पर जलपात्र, क्या देख रही हूँ? ऐसा कैसे कर दिया सेविकाओं ने? जल पीने की तीव्र इच्छा हो रही है, थोड़ा जल दो ना। जी अभी लाए। Oh,
इसमें जल भरा था, इतनी शीघ्र समाप्त कैसे हो गया? कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा? या वास्तव में जल कहाँ है? जल समाप्त हो गया है, मैं अभी ले आती हूँ। क्या हो गया है मुझे? मैं इतना भ्रमित क्यों हो रही हूँ? यह है क्या? मारुति की इन नटखट लीलाओं को देखकर केसरी भी अपने बाल मन को रोक न पाए और वो भी बालक की भांति बालक ही बन गए। अपनी संतान का मित्र बनने के लिए समय समय पर माता पिता को बालकों का सा ही व्यवहार करना उचित है और संतान के मन की बात और उनके भीतर का भय भी जाना जा सकता है। हे माधव, तब मारुति ने क्या किया आगे? आगे बहन पूरा दूध तो लाई हो ना? हाँ, आजकल हमारे युवराज अधिक दूध पीते हैं। हाँ चलो अच्छा है, अब आनंद आएगा। चलो माँ के पास चलते हैं। गौशाला से यहां आने में इतना विलंब और मेरे आदेश के पश्चात भी विलंब। मेरे आदेश के उपरांत इतनी अल्प मात्रा में दूध क्यों लाई हो? क्षमा करें महारानी जी, परंतु हम दोनों एक नहीं दो दो भरे हुए दूध के कलश लेकर आए। मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा है या तुम दोनों को अपने मटके की संख्या का बोध नहीं? प्रिय, मारुति की भूख बढ़ गई है, उसे और दूध दे दो ना।
ये दूध यहाँ रख दो और गौशाला से और दूध ले आओ। नहीं, मैं इतने दूध से ही अपनी भूख शांत कर लूंगा। के पसंद के सारे फल ले आए? जी महारानी। केले लेकर आएंगे नहीं? जी महारानी। इन्हें कहीं छुपा दो, तत्पश्चात हम इनका आनंद लेंगे। चलो इन फलों को कक्ष में रखो। आप देखना, मारुति नीचे चलकर इन स्वादिष्ट फलों का आनंद उठाएगा। ये फल यहाँ रख दो। हे प्रभु, ये क्या टोकरे में रखे फल कहाँ अदृश्य हो गए? मारुति, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अन्न प्राशन से पूर्व तुम कोई भी आहार ग्रहण नहीं कर सकते, मात्र दूध के? अत्यंत नटखट हो गए हो तुम। अब तुम्हारी माँ का रोष कौन सहेगा? पिताश्री, आप और कौन? अब मैं सब समझ गई, ये आप दोनों की मिली भगत थी। जैसे पिता वैसे ही उसके पुत्र। आपको पता था
अपने पुत्र की इस नटखट योजना के बारे में? मुझे लगा कि मुझे दृष्टि भ्रम हो गया है। आप दोनों पिता पुत्र ने मिलकर मुझे सता, ये उचित नहीं किया आपने। आप दोनों ने मिलकर के प्यारी माँ, मारुति को क्षमा कर दो। मारुति से भूल हो गई, अब ऐसी भूल कभी भी नहीं करूंगा। मारुति और उसकी प्रिय सखा को क्षमा कर दो ना माँ। हाँ प्रिय, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो ना, और मुझे भी। मारुति तो अभी अबोध बालक है, भोला है वो, किंतु मुझे तुम्हारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ, क्षमा कर दो, हम तो मात्र ठिठोली कर रहे थे। हम तो केवल तुम्हारे साथ मात्र ठिठोली कर रहे थे, किंतु मारुति के साथ मैं भी बालक बन गया। एक बार प्रसन्न हो जाओ प्रिय, हम दोनों पिता पुत्र को क्षमा कर दो। अब कभी भी भविष्य में जानबूझकर हम दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। दोनों ऐसी भूल नहीं करेंगे। एक माँ अपने पुत्र से और परिवार से कब तक रुष्ट रह सकती है? पर पुत्र स्मरण रहे, ठिठोली सीमा में रहकर की जाए तो आनंद ही आनंद है, पर यदि उस ठिठोली की सीमा टूट जाती है तो यही ठिठोली ढीठता बन जाती है, अशिष्टता बन जाती है, और वो किसी को भी रुष्ट करने का कारण बन सकती है। इसीलिए धमाल, मस्ती, ठिठोली सब अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। अपने आनंदमय पारिवारिक जीवन में अंजना और केसरी अब भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पुत्र पर कौन कौन से शत्रुओं की दृष्टि है। एक और वृक्षासुर की दृष्टि नन्हे मारुति पर तो थी ही, दूसरी ओर वाली किसी भी परिस्थिति में मारुति को वृक्षासुर तक पहुंचाने की योजना को साकार करना चाहता था, पर निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी वाली को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे मारुति को वृक्षासुर के निकट ले आए। और अचानक एक दिन, वाह महानतम, अब तो वृक्षासुर रूपी अचूक अंटकमय साधन तुम्हारे हाथ लग गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की अंतिम बेला निकट आ चुकी है, पर अब तो उसे समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।
किंतु एक समस्या है, वृक्षासुर रूपी अंटक में साधन को उस मरकट तक ले जाऊं कैसे? मुझे तो उस मरकट को ही वृक्षासुर तक पहुंचाना होगा। यूं अचानक कहां जा रहे भैया? रुको तो। रोको नहीं, और मुझे तुम रोक सकते भी नहीं। मैं जिस ओर जा रहा हूं वहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक कहां दृश्य हो गए? समय असमय पर मूर्ख को मूर्ख बनाने में ही आनंद है। हे मुरली मनोहर, वाली कब तक मारुति की जीवन लीला समाप्त करने की योजना बनाता रहेगा? व्यक्ति को जब तक उचित मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिलती, तब तक वो भटकता ही रहता है, और इसके लिए उसे अपने अभिभावक और तत्वदर्शी गुरुजनों की शरण में जाना ही पड़ता है। वाली भी भटकता ही रहेगा। प्रभु, किंतु वाली मारुति को वृक्षासुर के निकट कैसे लेकर जाएगा? इसी अनुसंधान में तो वाली मारुति के आसपास नित्य दृष्टि लगाए विचरण करता रहता था। चलो कुश्ती करते हैं। नहीं नहीं, कुश्ती नहीं।
कुश्ती में तो हम दोनों ही दाव लगा पाएंगे। कोई ऐसी क्रीड़ा होनी चाहिए जिसमें मारुति भी हमारा साथ दे। पर मारुति है कहाँ? तुमने देखा क्या? हो सकता है नल के साथ हो। वो रहा, आज मैं तुम्हें पत्थर गुलाटी का खेल सिखाता हूँ। पत्थर गुलाटी? वाह! पत्थर गुलाटी, ये क्या होता है? इसे पत्थर गुलाटी का खेल कहते हैं। वो एक चपटे पत्थर के टुकड़े के साथ खेला जाता है। इसी चपटे पत्थर के टुकड़े को झील की जल सतह पर इस तरह प्रक्षापित किया जाता है कि वह जल में डूबने से पहले कई बार उछलता हुआ दूर तक चला जाए। प्रथम मैं प्रयास करूं? अधिक सतर्क रहना होगा, वरना वो मायावी मरकट अपनी उबाऊ आचाल प्रवृत्ति से सताता रहेगा और यहाँ तक आकर भी मैं कोई युक्ति नहीं निकाल पाऊंगा। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वैसे भी ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। मित्र सुषेण, अभ्यास करो अभ्यास। अब देखना कैसे मेरा पत्थर तुम सबसे दूर जाता है। Thank you.
अच्छा तो वो पत्थर गुलाटी खेल रहा है। वाह नल वाह। बालक हो तुम अभी, पहले मुझसे ज्ञान लो। यदि तुम्हारा पत्थर झील में डूब गया तो शोक मत मनाना, समझ गए? बालक नहीं, माया भी बालक है ये मरकट। आप इतने असमंजस में क्यों हैं? हाँ प्रिय, मेरे असमंजस का कारण ये वृक्षासुर है। रह रहकर ये अधिक अधीर और भयावह होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। स्वामी, उसकी ये अनैतिक और अनर्थकारी गतिविधियां हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं? नहीं प्रिय, हमारे लिए किसी भय का संकेत तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे और वृक्षासुर के बीच ये समझौता हो चुका है। हमारी ओर से जब तक कोई भी प्राणी शंभ सदन वन की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, उसकी ओर से तब तक भय की कोई भी आशंका नहीं होगी। प्रतीत हो रहा है जैसे शेरों का झुंड एक साथ दहाड़ रहा हो। हमें निश्चित यहाँ से पलायन करना चाहिए। पुत्र मारुति कहाँ है प्रिय? बहुत समय से उसे देखा नहीं। मारुति ने अब कई नए मित्र बना लिए हैं स्वामी। वो उन्हीं मित्रों के साथ पाठशाला के प्रांगण में क्रीड़ा को गया है, पर अब तो वो आता ही होगा। उसके दूध पीने का समय जो हो रहा है, मैं देखती हूँ। चिंता बढ़ती ही जा रही है। सर्वप्रथम मुझे ही सचेत रहना होगा और मंत्री जी से कहकर पुनः अपने पूरे राज्य में चेतावनी की घोषणा करवा देनी चाहिए कि कोई भी शंभ साधन वन की सीमा रेखा के उस पार ना जाए। सब भाग क्यों रहे हो? मुझे भी तो बताओ, क्या यहाँ कोई नया खेल हो रहा है? सर्वप्रथम मारुति, तुम हम सबके साथ भागो। यहाँ ना ही कोई नई क्रीड़ा है, ना ही उसका कोई नया नियम। भागो। केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस न कर। वैसे भी वर्षों से मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। जब तक मैं अपने पिता के हथियारे केसरी के पुत्र मारुति का भक्षण कर उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राक्षस वृक्षासुर का और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति। भागो। केसरी पुत्र,
मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस ना कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मर्कट मारुति। इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो अभी नन्ना बालक है, इसे कैसे पता होगा। और इसने ना ही अब तक पाठशाला जाना आरंभ किया है। अब इसे कैसे समझाएं कि भय क्या होता है? भय अर्थात शेर की भयंकर दहाड़। नहीं नहीं, भय का अर्थ है घनघोर अंधेरे में विचरते निशाचर। अरे मित्रों, ये क्या ज्ञान दे रहे हो नन्हे बालक को? भय का अर्थ होता है गुरुजी की छड़ी। ठहरो, तुम सबको कुछ नहीं पता, थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। जब कभी मन घबराए या फिर प्राणों पे संकट बनाए, माता पिता का स्मरण हो आए, या कहो नानी का स्मरण हो आए, हाँ तब समझ लो उसे ही भय कहते हैं। कल अमावस के दिन, और यदि तुम कल मेरे हाथ लग गए तो कोई देवता भी तुम्हें मेरा भोजन बनने से बचा नहीं पाएगा। वाली महानतम, ये तो तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। समझ गया, अब तो बस अमावस के दिवस ही मुझे अपनी योजना को साकार करना होगा। तत्पश्चात मेरा कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। अब तो बस अपनी योजना अनुसार किसी भी प्रकार उस मायावी मरकट को वृक्षासुर की पहुंच तक ले जाना है। केसरी नंदन ही है मेरे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य, मुझे कुछ तो करना ही होगा। चला आ रहा है।
क्या ज्ञात नहीं है इसे कि यहाँ मेरी सीमा में प्रवेश करने वाले के प्राण निकाल लिए जाते हैं? या इसे मेरा भय नहीं है? भय तो मुझे अभी भी प्रतीत हो रहा है उस भयंकर दहाड़ के बारे में सोचकर। हाँ, बड़ी ही भयंकर और डरावनी थी वो दहाड़। तुम जो भी हो तुम, अब मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? क्या अपनी मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मैं घात लगाए बैठा हूं और तुम हंस रहे हो। तुम्हारी बुद्धिहीनता पे हंस रहा हूं वृक्षासुर। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और तुम मेरे ही प्राण हरना चाहते हो। बुद्धिहीनता तो तुमने दिखाई है मूर्ख। मेरी सीमा के भीतर इस मृत्यु द्वार पर पुनः आकर आज तक कोई यहां से वापस नहीं जा सका है। अब तुम भी नहीं जा सकोगे और ना ही यहाँ तुम्हारी सहायता को कोई आ सकता है। केसरी नंदन चाहिए? तो रुक जाओ। तो बोलना क्या चाहता है? यदि आज तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा परम शत्रु केसरी नंदन सदा के लिए जीवित रह जाएगा और तुम उस तक पहुंचने का स्वप्न संजोते रह जाओगे। परम शत्रु केसरी नंदन। हाँ, परम शत्रु केसरी नंदन, वही मायावी मरकट जिसकी हत्या ही तुम्हारे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य है। और तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मात्र मैं महानतम। कथन तो तुम्हारा उचित है। वो केसरी नंदन मेरे हाथ आने के उपरांत भी मेरे चंगुल से बचकर निकलता रहा है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब समय रहते ही वहां से सब बच निकले। यदि शेरों की उस भयंकर दहाड़ को सुनकर हम लोग वहां से भागते नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे तो लगता है वह अवश्य ही कोई भयानक जंगली जीव की दहाड़ थी। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन, संकोच ना करो। वह भयंकर गर्जना किसी जीव की नहीं, एक विशाल राक्षस की थी। समझ गए? राक्षस की? कौन सी राक्षस की?
हाँ हाँ, उस राक्षस का नाम है विक्सासुर। विक्सासुर नहीं, वृक्षासुर नाम है उसका। बड़ा ही क्रूर और भयंकर राक्षस है वो। बड़ा ही उद्दंड बालक है वो। और क्या तुम्हें लगता है उसे मारने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो? निसंदेह, मात्र मैं महानतम ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ और उत्तरदायित्व निभा सकता हूँ। उस मायावी मरकट को तुम तक पहुंचाने की एक अमोघ और अचूक योजना है मेरे पास। संभवतः तुम उस मायावी मरकट का वध कर सकते हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? मैं महानतम जो एक बार कह देता हूँ उसे कर दिखाता हूँ। मैं तो उसे लाकर तुम्हारी गोद में दे दूंगा, किंतु क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरी बलशाली भुजाओं पर संदेह कर रहे हो। वृक्षासुर राक्षस हूं मैं। तुम्हारी बलशाली भुजाओं की दृढ़ता पर संदेह करना कदाचित निराधार नहीं है। यदि तुम क्रूर राक्षस हो तो वो तुम्हारा परम शत्रु मरकट भी बड़ा मायावी है और भयंकर राक्षस है वो। उसकी सहस्त्र भुजाओं में हाथी जैसा बल है। उसकी लंबी और पैनी नख प्राणघाती शस्त्रों का सा अचूक कार्य करता है वो। उस मरकट की दोनों भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों जैसा बल है। बिना शस्त्रों के ही वो मरकट अपने शत्रु के प्राण हर सकता है। और मैंने तो सुना है यदि उसके ऊपर किसी की छाया पड़ जाए तो वो उसे अपने चुंगुल में जकड़ लेता है। एक बार पकड़ने के बाद उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं, असंभव कहो, छूट पाना असंभव हो जाता है। हाँ, असंभव को संभव करके दिखा चुका है वो। अपनी माया के बल पर अनेक बार मेरे हाथ आकर भी छूट चुका है, किंतु इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कल अमावस के दिन उसे मेरे पास ले आओ। अमावस के दिन मेरी निशाचरी छल बल शक्तियां असामान्य रूप से जागृत हो जाएंगी, जिसका सामना करने से स्वयं मृत्यु भी भय खाती है। तो अब साथ साथ उत्सव मनाने की योजना भी बना लो। वो मायावी मरकट मेरी ओर से तुम्हारे लिए मित्रता का एक उपहार होगा। और तुम मेरी ओर से मरकट की चबाई हुई अस्थियां उपहार स्वरूप स्वीकार कर लेना। और यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो महानतम वाली अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम्हें अपने मित्र की मित्रता और सहयोग पर तनिक भी संदेह है तो लो, अभी इसी क्षण मुझे अपना आहार बना लो। लो, अपने मित्र के हाथों मरकर मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होगी।
मारुति को देखा आपने? अभी तक लौट कर नहीं आया? नहीं महारानी, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा आप जाइए, उसका दूध तैयार कीजिए। जी महारानी। मित्रों के साथ क्रीड़ा में मारुति को आजकल सुधा और तृष्णा भी नहीं सताती। इतना समय बीत गया किंतु अभी तक मारुति लौट कर नहीं आया। मैं स्वयं मारुति को वाटिका में जाकर देखता हूँ। नहीं स्वामी, मैं स्वयं देख लेती हूँ। अरे वहां वाटिका में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए सब? इतनी आशंकित क्यों हो प्रिय? बालक है, यही वाटिका में अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। किंतु वाटिका में कोई दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है अपने मित्रों के साथ झील की ओर चला गया हो। मैं अभी किसी सेवक को भेज के पता कराता हूँ। स्वामी आप तो अपने पुत्र की प्रवृत्ति जानते हैं ना, कि वो कितना नटखट है। भय है मुझे कि कहीं अपने नटखटपन में वो अपने आप को ही हानि ना कर बैठे। मारुति तो प्रतिदिन दूध पीता है, इसीलिए कोई भी राक्षस मारुति को हानि नहीं पहुंचा सकता। मारुति के दूध पीने का समय हो गया है, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो मित्रों मैं तो चला दूध पीने। मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ कि अपने नटखटपन में कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी को कष्ट पहुँचे या किसी भी प्रकार की हानि की संभावना हो। उचित है स्वामी, किंतु माँ का हृदय नहीं मानता, माँ के मन की व्यथा कोई नहीं समझता। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में। आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस ना कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मर्कट मारुति। इतनी
इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। पिताश्री, माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट हैं। पर माँ मुझसे रुष्ट क्यों है? अब मैं क्या कहूँ पुत्र, तुम स्वयं जाकर पूछ लो। जाओ। माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? प्रयत्न तो करो। बताइए ना माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? हाँ। किंतु मारुति ने अब क्या किया माँ? पता है कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ढूंढ भी रही थी तुम्हें। कहाँ चले गए थे बिना बताए? मारुति तो अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए गया था माँ। मित्रों के साथ खेलने बाहर, और वो भी बिना मुझे बताए? हाँ माँ, मैं तो पहले भी अपने मित्रों के साथ वाटिका के बाहर खेलने जा चुका हूँ। पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, और छोटे बच्चों को अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु क्यों पिताश्री? तुम्हें स्मरण है ना, जब तुम्हारी माँ हमें नहीं दिखी थी तो हम कितने व्याकुल हो गए थे। अंजना, अंजना! माँ! फिर सोचो, जब तुम हमें बताए बिना बाहर खेलने चले जाओगे, तुम्हारे ना मिलने पर हमारी क्या दशा होगी? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे वचन दो पुत्र कि अपनी माँ और पिताश्री को बताए बिना तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे। मैं
मेरा पुत्र मारुति आपको वचन देता है कि मारुति आप दोनों को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे ना मिलने पर मैं कितनी भयभीत हो गई थी। भयभीत? आप भयभीत क्यों हो गई थी माँ? क्या आपने शेरों की दहाड़ सुनी या गुरुजी की छड़ी देखी? शेरों की दहाड़ या गुरुजी की छड़ी का तुम्हारे माँ के भय से क्या मतलब? हाँ पिताश्री, भय का अर्थ यही होता है शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ पुत्र? पिताश्री, मेरे मित्रों से। उन्होंने बताया कि भय का अर्थ होता है शेरों की दहाड़ और गुरु जी की छड़ी। स्वामी, मैं समझाती हूँ। पुत्र मारुति, तुम्हें सब पता है, पर यदि तुम भय के विषय में कुछ नहीं जानते तो समझ लो कि भय सिर्फ मन का भ्रम है। भय कुछ होता ही नहीं है। परंतु माँ, मेरे मित्र तो स्मरण है ना तुम्हें, मैंने समझाया था तुम्हारे लिए माता पिता ही सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो माँ ने कहा उसी को स्मरण रखो और भरोसा करो माँ की बातों पर। और स्मरण रखो कि तुम निर्भय हो, भय से तुम्हारा सामना कभी होगा ही नहीं। समझ गए माँ की बातों को? हाँ माँ, मारुति अब सब अच्छे से समझ गया। परंतु माँ, दूध। दूध? अच्छे से समझाया क्यों नहीं प्रिये? क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी संतान कभी भी किसी भी भय का अनुभव करे। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र मारुति के जीवन, मन और मस्तिष्क में भय के लिए कोई स्थान न रहे। और फिर जो भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में आया है, उसका भय से क्या नाता? मेरी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और ये सभी जीव किसी न किसी भय के प्रभाव से सदा ही ग्रस्त रहते हैं। कितनी विचित्र बात है, मां के अंधकारमय गर्भ में रहते हुए भी शिशु अपनी पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है, किंतु जिस क्षण शिशु गर्भ के अंधेरे से संसार के प्रकाश में आता है, उसी क्षण प्रत्येक नवजात शिशु सर्वप्रथम भय का ही अनुभव करता है। अपने इस प्रथम अनुभव से उसका नाता या तो उसके अपने जीवन का अंत होने पर टूटता है, अथवा जीते जी मुझ में एकीकार होने के बाद ही जीव भय मुक्त होता है। स्वयं शिवजी के अंश
मारुति तो सदा ही राममय है। उनसे अधिक भय मुक्त भला कौन हो सकता है इस संसार में। आज मैं किसी भी विद्यार्थी को अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दे रहा हूं। मैंने जो आज शिक्षा दी है, घर जाकर आपको उसका अध्ययन करना है। अगले दिन इसी पाठ से प्रश्न पूछूंगा। जय हो प्रभु। लता है जो मैंने अपनी विनती पत्थर पर लिखकर आप तक भेजी थी, वो मेरी विनती आपने स्वीकार कर ली है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज सबका अवकाश है। आओ मित्र, दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। वो देखो, मारुति भी आ गया। आओ मित्र, मारुति। मित्र नील, क्यों ना मारुति और तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारुति, हारने से भय तो नहीं लग रहा है। भय? भय क्या होता है, मारुति जानता ही नहीं है। तो ठीक है, हो जाए। हाँ क्यों नहीं, हो जाए।
क्यों कर रहे हो? कुश्ती के दांव चलो। ये कुश्ती का ही दांव पेच है मित्र। यहाँ की कुश्ती में ऐसा ही चलता है, बच सको तो बचो। तो ठीक है, अभी लो दांव पेच दिखाता हूँ। टक्कर दी है। क्या हो गया है मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी उलझन का उत्तर मैं जानता हूं। मैं जानता हूं क्यों तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अकेले हो गए हो, अपने मित्रों से दूर। अकेला? मित्रों से दूर? मैं अकेला हो गया हूं? हाँ मित्र, उस मरकट के कारण तुम्हारे सभी मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। ये मरकट कौन है? मेरा तात्पर्य है वो मारुति। वो तो मेरा मित्र है। मित्र होता तो आते ही तुमसे तुम्हारे मित्र छीन नहीं लेता। देख रहे हो ना? देखो देखो, तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था, वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना। मैं महानतम, तुम्हारा शुभचिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों, तुम्हें कोई दुख नहीं होता? जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है, तुम्हें दुख नहीं होता? जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं। कुछ दुख तो होता है। तो अब बताओ
क्या तुम्हें ये दुख अच्छा लग रहा है? क्या तुम नित्य ही ऐसे दुखी रहना चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा। यानी उसके राजभवन में? नहीं, उस मरकट का सही ठिकाना मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु चुपचाप। यदि तुम अपने मित्र महानतम और शुभचिंतक की बात मानते रहे तो तुम्हारे सभी मित्र पुनः तुम्हारे साथ होंगे, ये तय है। परंतु मुझे करना क्या होगा? मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। उस बालक को क्या समझा रहे हैं? अंततः वो करना क्या चाहते हैं? हे प्रभु, अब आप ही वाली भैया को सद्बुद्धि दे सकते हैं। वाली के अहंकार और मिथ्याभिमान ने उसकी बुद्धि हर ली थी। त्रिमूर्ति और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अहंकार की चोट से तो देवता तक बच नहीं पाते। अहंकार प्राणी को उसके लक्ष्य से भटका देता है और लक्ष्य से भटका हुआ प्राणी सदा ही अपनी हानि करता है। वाली भी उसी पथ पर अग्रसर था। प्रभु, पुनः वाली ने मारुति को वृक्षासुर तक ले जाने की कौन सी योजना बनाई? पुनः पाठशाला में? लगता है आपको भी पाठशाला अत्यधिक प्रिय है। नहीं, पाठशाला अत्यधिक प्रिय नहीं है, मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम बड़े बलशाली हो, पत्थर गुलाटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम्हारी गति तो अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि मारुति दूध पीता है, वो भी ढेर सारा। मारुति, ये सब छोटे मोटे खेल छोड़ो, क्यों ना एक बड़ी प्रतियोगिता हो जाए। प्रतियोगिता? अरे प्रतियोगिता यानी ये दिखना कि किसमें कितना साहस है और कौन कितना अधिक बलशाली है। तब तो बड़ा आनंद आएगा। चलो अभी आरंभ करते हैं प्रतियोगिता। नहीं, अभी नहीं। तब कब? हाँ, अभी नहीं, कल आरंभ करेंगे। आश्रम के प्रांगण में, पुरानी वाली पाठशाला के पास। पर अभी और यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ अभी प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती, बड़े स्तर पर करनी है ना, तो खेल का मैदान भी तो बड़ा होना चाहिए, वैसी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, है ना?
हाँ हाँ सचमुच बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ बड़ा आनंद आएगा। वाली भैया महंतम ने तो सच ही कहा था, इसकी योजना तो अद्भुत है। अब प्रतीक्षा है अमावस के दिन की, जब केसरी के जीवन में सदा के लिए अमावस जैसा ही घनघोर अंधेरा छा जाएगा। हाँ, घनघोर अंधेरा। ये मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए, मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए। वाह प्रिय वाह, अति सुंदर अंगवस्त्र है ये। इसको मैंने बड़े ही जतन से बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके लिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर तो ये मेरे लिए ही बनाया होगा। इसका रंग कितना लुभावना है, और इस पे लगे मोती तो देखो बड़े प्यार से सजाए हैं। ये मुझ पर बहुत जचेगा। धन्यवाद। माँ, इतना सुंदर अंगवस्त्र आपने किसके लिए बनाया है? ये मैंने उसके लिए बनाया है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पता है, इसके एक एक मोती को मैंने बड़े ही जतन से पिरोया है, और इसके एक एक धागे में मेरा प्यार समाया है। माँ, ये रंग तो मुझ पे बहुत जचेगा। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मुझ पर अधिक सजेगा। पिताश्री, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। प्यार से दिए गए किसी भी उपहार की मूल्यवान आकृति नहीं, उपहार देने वाले की मात्र भावना देखी जाती है। ठीक है पिताश्री, इसे आप ले लीजिए। मुझसे मारुति की उदासी देखी नहीं जा रही। मुझसे भी इसकी उदासी देखी नहीं जाती स्वामी। हमें इसे सत्य बता देना चाहिए। सचमुच प्रिय, ये अंगवस्त्र तो मेरे लिए अत्यंत छोटा है। देखा पिताश्री, देखा, मारुति ने भी तो यही कहा था ना पिताश्री। प्रिय,
कहीं तुमने ये मारुति के लिए तो नहीं बनाया? मैंने तो प्रारंभ में ही कहा था ये उसके लिए है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और मारुति से अधिक प्रिय भला कौन हो सकता है मेरे लिए। ये रंग तो मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है माँ। माँ आपने सचमुच बहुत सुंदर रंग वस्त्र बनाया है मारुति के लिए। देखा तुमने सखा कैसा है ये माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र। माँ मारुति और उसकी सखा को ये अंग वस्त्र बहुत प्रिय लगा। धन्यवाद माँ। जिस परिवार में प्रेम सौहार्द और सद्भावना होती है वो परिवार यदि निर्जन मन के एकांत में भी रहे तो वो वहां भी स्वर्ग का सा अनुभव करेगा। किंतु जिस परिवार में द्वेष कलह और दुर्भावना हो उस परिवार के सम्मुख चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाओं का अंबार परोस दिया जाए वो हमेशा सुख से वंचित ही रहेगा। आप इतने बड़े हैं परंतु आपको पता नहीं कि भू देवी को प्रणाम करते हैं उन पर थूकते नहीं। मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो। कहीं सच में मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं सच में उस मरकट पर भोलेनाथ की विशेष कृपा तो नहीं? कहीं सुग्रीव का कथन यथार्थ तो नहीं कि मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ? मुझ महानतम के मन में अचानक ये भटकाने वाले विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? द्वारा बना अंग वस्त्र कितने सुंदर हैं। कल इन्हीं अंग वस्त्रों को पहनकर मारुति प्रतियोगिता में भाग लेगा और सबको हरा देगा। सबको हरा देगा? किसको हरा दोगे पुत्र? कल सबको क्यों हराओगे पुत्र? पिताश्री कल मेरे मित्र ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मारुति के सारे मित्र इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और मारुति भी। कैसी प्रतियोगिता है ये? क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या होगा? क्या होगा ये तो मारुति को ज्ञात ही नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। जो भी हो कल की प्रतियोगिता में जीतेगा तो मारुति ही। किंतु पुत्र तुम तो अभी बहुत छोटे हो, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो? मारुति को बहुत दुख होगा।
यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो मारुति को बहुत दुख होगा। कल की प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे, क्यों ना अभी हम तीनों मिलकर एक प्रतियोगिता करें। प्रतियोगिता? हाँ, लाल सेबों को चट कर जाने की प्रतियोगिता है? नहीं पुत्र, हम इन सेबों से अपने सुंदर सुंदर भवन बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले सुंदर और दृढ़ भवन कौन बनाता है। सेबों का भवन? हाँ, तुम्हारी नानी ने मुझे ये खेल सिखाया था बचपन में। किंतु माँ, सेबों का भवन बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ। इस प्रकार एक के ऊपर एक सेब रख के हमें अपना अपना भवन बनाना है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं अपना भवन बनाऊंगा। धैर्य रखिए आर्य पुत्र, देखते हैं सबसे पहले किसका बनता है। तो बनने से पहले ही टूट गया। परंतु माँ, आप देखना मारुति अपने सेबों का भवन कैसे बनाता है। देखा, मैं जीत गया, मारुति हार गया। मारुति हार गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.